सो हे गाइस, आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो लेके। आज बात करेंगे बिट्स पिलानी के बारे में। मान लीजिए कि अभी मूवी देखने आए हैं जिसका नाम बिट्स पिलानी है, पूरी मूवी देख जाइएगा, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। अपन बात करते हैं कि क्या क्या सीन आने वाले हैं इस मूवी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यार, आप जानेंगे इस मूवी के अंदर कि यार कैसा कॉलेज है बेसिकली। फिर बात करेंगे कि यार इसके ना मतलब कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर बात करेंगे कि एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन तो लेना पड़ेगा ना यार, कैसे लेंगे। फिर बात करेंगे कि यार आप इसके में फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं इस कॉलेज के। फिर जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब बहुत तगड़ा, मतलब सब बताया जाएगा आपको इसके बारे में कि क्या क्या अवेलेबल है, स्विमिंग पूल वगैरह है कि नहीं, तब डिस्कस करेंगे। उसके बाद करेंगे कि यार इसके हॉस्टल मेस कैसा है। लास्ट बात करेंगे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक कॉलेज के पर्सपेक्टिव से, पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो मूवी देखना एंड तक, इंटरवल में छोड़ के मत जाना, पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ, सीट बेल्ट टाइट कर लो अपनी। बाकी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ नया सीख के। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अभी अपन आ चुके हैं बिट्स पिलानी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इसके चार कैंपसेस है, फॉर एग्जांपल एक तो है दुबई के अंदर, एक है गोवा के अंदर, एक है हैदराबाद के अंदर, और एक मेन वाला है अपना पिलानी वाला। तो अपन आज बात करेंगे पिलानी वाले की सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि गोवा और हैदराबाद की वीडियो अलग से आ जाएगी आप लोगों की। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सारी की सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, जैसे कि यार इंजीनियरिंग अवेलेबल है, मैनेजमेंट अवेलेबल है, आपको मास्टर्स करनी है मास्टर्स कर सकते हैं इसमें, आपको अगर ना पीएचडी करनी है पीएचडी भी कर सकते हैं इस कॉलेज के थ्रू। अब बात करते हैं कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल फार्मा अवेलेबल है, बीटेक अवेलेबल है, बीएससी वगैरह जो नॉर्मल होते हैं नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं आप उसको इसमें एडमिशन लेना, तो एडमिशन कैसे लेंगे आप। तो एडमिशन के लिए इनका एक फॉर्म निकलता है जिसका नाम होता है बिट सैट, या फिर एक एंट्रेंस टेस्ट है बिट सैट, जो कि बहुत डिमांड में है यार। मतलब क्या ही बताऊँ यार, बिट्स प्लानिंग का जो क्रेज़ है ना यार, मतलब आईआईटी लेवल का क्रेज है। तो बिट सैट दे सकते हैं आप, और उसमें अगर आपकी अच्छी रैंकिंग आती है तो आपको उसके अनुसार आपको बिट्स प्लानिंग का कैंपस मिल सकता है, मतलब हायर रैंकिंग चाहिए होती है इस कॉलेज के अंदर आने के लिए आपको। और बाकी बात करते हैं कि नेक्स्ट चीज़ क्या है कि फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं। फैकल्टी मेंबर्स के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब क्या ही बताऊँ कि मतलब यार इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मतलब सारे के सारे नॉलेज तो नॉलेज और जो बेसिक चीज़ होती है नॉलेज एक्सपीरियंस होते है ही है, बट जो टीचर्स हैं ना यार वो बेसिकली सारे के सारे पास आउट है फ्रॉम वेल नोन कॉलेजेस, जैसे कि आईआईटी हो गया, मतलब कोई बाहर से पढ़ के आया है, आउट ऑफ इंडिया से पढ़ के आया, मतलब ऐसे ऐसे भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं इस कॉलेज के अंदर, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और मतलब उनको बहुत नॉलेज है, तो उनके रिस्पेक्टिव कोर्सेज की फील्ड्स की, तो बहुत आपको अच्छा लगेगा पढ़ने के बारे में कि हाँ यार मतलब मज़ा आ रहा है, वर्थ लग रहा है आपको इस कॉलेज में पढ़ने का। अब बात कर लेते हैं कि यार इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा लेवल का है इनका, मतलब क्या बताऊँगा यार, मतलब बुर्ज खलीफा देखा है उसके बाद में इनका ही नाम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैसा है, मतलब बेसिकली सारी सारी लैब्स वगैरह अवेलेबल है। लैब्स में पढ़ाई करते हो आप लोग, नहीं ना, तो लैब्स वगैरह तो फिर भी अवेलेबल करा रखी है इन लोगों ने। उसके बाद में लाइब्रेरी अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छी है। लाइब्रेरी मतलब वही जहाँ पर आजकल लवर्स पॉइंट बन जाते हैं, वही वाली बात है जो लाइब्रेरी वाली बात है ना, वो उसमें ही वो भी अवेलेबल है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बीच बीच में यार। उसके बाद में लाइब्रेरी अवेलेबल है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कैफेटेरिया हो गया, कैंटीन हो गई, सारी अवेलेबल है कैंपस के अंदर ही। बहुत सारे मतलब स्पोर्ट्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन का इंडोर कोर्ट अवेलेबल है, स्विमिंग पूल अवेलेबल है, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए भाई, इसके अंदर घुसने का मन ही नहीं कर रहा बाहर आने का। फिर बात करते हैं कि और क्या क्या, जैसे हॉकी वगैरह होगी, तो बेसिक स्पोर्ट्स होते हैं ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। मैंने पूरा नाम नहीं लिए कि भाई सारे बताऊँ, तो भाई स्पोर्ट्स का थोड़ा जानना है उनको, सबको सबकी बात करनी पड़ती है। अब बात करते हैं हॉस्टल कैसा है। हॉस्टल मतलब बहुत अच्छा है, जैसा इसका कैंपस है वैसे इसका हॉस्टल, मतलब ये एलीट कॉलेज है यार, मतलब ऐसा कोई बेसिक कॉलेज नहीं है कि मतलब यार ऐसे आलतू फालतू कॉलेज नहीं है यार, ये बहुत बढ़िया कॉलेज है। आईआईटी के बाद इसका नाम आता है, मतलब आईआईटी लेवल का कॉलेज है, तो मतलब इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल का खाना बड़ी बेसिक चीज़ है, मतलब इसको तो ये लोग ऐसे मेंटेन करके रखते हैं कि क्या बताऊँगा यार, मतलब इनका कंपैरिजन किसी कॉलेज से हो ही नहीं सकता। बात करते हैं कि हॉस्टल कैसा है। हॉस्टल ठीक ठाक, मतलब अच्छा है, मतलब ठीक ठाक नहीं, गलती कर दी है ना, अच्छा कॉलेज, अच्छा हॉस्टल है। आपको सिंगल शेयरिंग और रूम वाला सेकेंड ईयर से मिलते हैं, फर्स्ट ईयर में तो आपको साथ साथ रहना पड़ेगा, मतलब हम साथ साथ वाली बात करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में तो आपको। फिर नेक्स्ट आपको यार बात करते हैं कि हॉस्टल का जो मेस है वो भी अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको अपनी लेगेसी कंटिन्यू करनी पड़ती है, अच्छे इंस्टीट्यूट है, तो मतलब इनको यार अच्छा खाना मेंटेन करना पड़ता है, हाइजीनिक वगैरह रखना ही पड़ता है, तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए आप मेस वगैरह की, वो सब अच्छा मिलेगा आप लोगों को।
अब बात कर लेते हैं कि कॉलेज के अंदर यार प्लेसमेंट कैसे मिल रहे हैं, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप कैसा है। तो इनका इंटर्नशिप का एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत नया है, मैंने पहली बार सुना है इनका, मतलब बेसिकली बहुत अच्छा लगा मुझे। बस ऐसी बात है कि आपको यार 7th और 8th सेमेस्टर के अंदर रिस्पेक्टिवली आपको इंटर्नशिप मिलती है, फिर आप बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलती है जो कि होती है 7th ईयर की, मतलब 7th ईयर की होती है PS1 और 8th सेमेस्टर की होती है 7th सेमेस्टर की होती है PS1, 8th सेमेस्टर की होती है PS2। PS2 और PS1 का फुल फॉर्म क्या है, PS मतलब प्रैक्टिस स्कूल करके कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर PS2 में आपका काम अच्छा रहता है तो आपको कंपनी PPO दे देती है। PPO क्या है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। फॉर एग्जांपल PS2 के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती है इंटर्नशिप के लिए, वो हो गई एप्पल, हो गई गोल्डमैन सैक, हो गई माइक्रोसॉफ्ट, हो गई मतलब बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी होती है ना, डी शॉ वगैरह, सारी इनके PS2 वाली जो इंटर्नशिप होती है उसमें आती हैं। ये होगी पहले टाइप की इंटर्नशिप। अब नेक्स्ट इंटर्नशिप होती है समर इंटर्नशिप। समर इंटर्नशिप लगती है मतलब बच्चों की यार थर्ड ईयर के बाद लगी किसी की, तो अगर उसको उसने उसमें अच्छा काम किया तो यार उसको यार उसी में उसका प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब थर्ड ईयर के एंड में आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, इतना बढ़िया एक्सपोजर है इस कॉलेज का। अब बात करते हैं लास्ट में जो मिलता है ऑफर, वो तो मिलता ही मिलता है, मतलब कि अगर आपका काम अच्छा रहा, जैसे कोई कंपनी है उसका कोडिंग इंटरव्यू में बैठे आप इंटरव्यू दिया था, अगर आपको सिलेक्शन होता है तो वो तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी बताना चाह रहा हूँ मैं कि तीन तरीके हैं आपको इंटर्नशिप या प्लेसमेंट लेने के स्कॉलरशिप के थ्रू। पहला हो गया PS1 PS2 से, सेकंड ले सकते हैं अपना विद द हेल्प ऑफ समर इंटर्नशिप, ठीक है। और जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है वो तो है अपना थर्ड ऑप्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा कि लास्ट ईयर में आएंगी आपकी बहुत सारी कंपनी, वहाँ जाके बैठेंगे आप, इंटरव्यू देंगे कि भाई मुझे चुन लो भाई, ठीक है। वो पूछेंगे कहाँ देखते हो आप खुद को 5 साल बाद, आप बता दीजिएगा कहाँ देखते हो आप, ठीक है। तो आपको इंटर्नशिप, वो आपको जॉब पे ले जाएंगे उठा के, ठीक है। उसके बाद करते हैं कि इसका प्लेसमेंट कैसे जाते हैं, प्लेसमेंट के मतलब एवरेज पैकेज कितना, इसका एवरेज पैकेज बहुत तगड़ा लेवल का, मतलब क्या बताऊँ यार, इसका एवरेज पैकेज है 18 से 20 लाख का, मतलब इतना तो भाई मतलब कुछ कॉलेजेस का हाईएस्ट पैकेज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जिसका हाईएस्ट पैकेज कितना, हाईएस्ट पैकेज इसका 60 लाख पर एनम को बताया जा रहा है, और बता रहा हूँ कि ऑन कैंपस ही लगा होगा, ऑन कैंपस डेफिनेटली लगा होगा, क्योंकि इसके इस कॉलेज की ये कॉलेज केपेबल है इतना प्लेसमेंट ग्रैप करने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कॉलेज है। तो आपको मूवी पसंद आई होगी, मुझे आशा है कि आपको मूवी पसंद आई होगी, तो इस मूवी को सबसे शेयर कीजिए, बताइएगा कि अगली मूवी किस टॉपिक पर रिलीज़ की जाए, किस कॉलेज रिव्यू पर रिलीज़ की जाए, ठीक है। अपन उस पर बनाएंगे मूवी, उसके बाद मैं ना इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ, सॉरी मूवी को शेयर करो दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। बाकी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, अल्लाह।